पूजनीय रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश जी मंगलवार को विराजे और गणेश उत्सव की धूम शुरू हो गई है। सभी और गणपति बप्पा मोरिया की गूंज सुनाई दे रही है। इसी श्रृंखला में शहर के बैद्यनाथ चौक स्थित कैपिटल हाइट्स में हर साल की तरह इस साल भी बड़ी धूमधाम से विघ्नहर्ता विराजमान हुए हैं। गणों के अधिपति श्री गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। सर्वप्रथम उन्हीं की पूजा की जाती है, उनके बाद अन्य देवताओं की पूजा की जाती है। किसी भी कर्मकांड में श्री गणेश की पूजा आराधना सबसे पहले की जाती है, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं और आने वाले सभी विघ्नों को दूर करते हैं। श्री गणेश जी लोक मंगल के देवता हैं, लोक मंगल उनका उद्देश्य है। परंतु जहाँ भी अमंगल होता है उसे दूर करने के लिए श्री गणेश अग्रणी रहते हैं। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं, इसके लिए उनकी कृपा से संपदा और समृद्धि का कभी अभाव नहीं रहता। श्री गणेश जी को दूबा और मोदक अत्यंत प्रिय है। उदया तिथि के अनुसार मंगलवार को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया गया। इसी श्रृंखला में मंगलवार को शहर के बैद्यनाथ चौक स्थित कैपिटल हाइट्स में बड़े ही उत्साह और ढोल ताशा की गूंज में गणपति बप्पा का आगमन हुआ। कैपिटल हाइट्स में हर साल गणपति बप्पा की स्थापना की जाती है। मंगलवार को गणपति बप्पा मोरिया की गूंज में बप्पा को लाया गया और विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर बप्पा की स्थापना की गई। बप्पा की स्थापना के साथ ही कैपिटल हाइट्स में 10 दिनी विविध मनोरंजन व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। गणपति उत्सव में आयोजित सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को कैपिटल हाइट्स के सभी पदाधिकारी व बीटीपी ग्रुप के फाउंडर और बीसीए न्यूज के चेयरमैन सिराज शेख और कारण न्यूज की चेयरपर्सन जोया शेख का सहयोग रहता है। हाँ, मेरा नाम प्रवीण अग्रवाल है और हम कैपिटल हाइट में यहाँ पे रहते हैं। और ये एक उत्सव जो है हमारा गणेश उत्सव, ये बहुत ही बड़े अलग तरीके से हम लोग यहाँ मनाते हैं। इतनी सारी फैमिलीज, इतना उत्सव के साथ हर लोग यहाँ इन्वॉल्व होते हैं। आप यहाँ देख रहे होगे, हर बच्चे से लगा के हर लोगों के लिए अलग अलग प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं और हर तरीके के प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं। स्पोर्ट्स के करते हैं, कल्चरल करते हैं, नॉलेजेबल करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से दसों दिन सभी लोगों का यहाँ पे खाना रखते हैं। सब परिवार पूरे यहाँ पे सम्मिलित होते हैं और एक आनंद का माहौल यहाँ 10 दिन पूरे उत्सव का माहौल यहाँ पे आपको नज़र आएगा। और हमें ये मानना है कि पूरे नागपुर में इतना अच्छा उत्सव और इतना अच्छा आनंद हमारे सोसाइटी में जितना लिया जाता है उतना है। तो गणेश कमेटी की ओर से मैं आप सब लोगों को गणेश जी की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। नमस्कार, मैं अमित राजा, मैं कैपिटल हाइट गणेश उत्सव कमेटी की तरफ से हूँ। हमारा जो कैपिटल हाइट में जो ये गणेश उत्सव का उत्सव मनाया जाता है, ये करीबन 5-6 साल से जब से कैपिटल हाइट हैंडओवर हुआ है तब से मनाया जा रहा है काफ़ी धूमधाम से। 350 फैमिलीज यहाँ रहती है और ऑलमोस्ट हर फैमिली इसमें पार्टिसिपेट करती है। ये प्रोग्राम की प्लानिंग ऑलमोस्ट 1 महीने पहले से चलती है। ये इतने ग्रैंड लेवल पे होता है, इसका बजट हाई होता है, इसके साथ साथ में इसमें इतने सारे इवेंट 10 दिन में प्लान किए जाते हैं। हर दिन के एक एक इवेंट की जो प्लानिंग रहती है वो कम से कम 1-1 महीना चलती है। इसमें बच्चों से लेके बड़े, सीनियर सिटीजन, लेडीज़, जेंट्स, सारे लोगों के लिए कल्चरल प्रोग्राम है, स्पोर्ट्स प्रोग्राम है, रिलीजियस प्रोग्राम है। उसके अलावा आप फैशन की कंपटीशन देखेंगे, डांस कंपटीशन देखेंगे। हर दिन एक अलग अलग प्रोग्राम रखा जाता है। उसी हिसाब से जो फूड का यहाँ पे ऑप्शन है, डेली अलग अलग कुजीन आपको देखने मिलेगा 10 दिन के लिए। इसकी तैयारियों में अलग अलग कोरियोग्राफर बाहर से, फोटोग्राफर की टीम, डांस की टीम, फैशन की टीम, इनका सारा प्रिपरेशन और करीबन 150 वॉलेंटियर्स इसको मॉनिटर करते हैं तब ये सक्सेसफुली हो पाता है। इस बार भी अलग अलग विविध कार्यक्रम रखे गए हैं। पूरे प्रोग्राम की रूपरेखा 10 दिन की है। आज स्थापना दिन है तो आज भजन का प्रोग्राम है, उसके साथ में प्रसाद होगा और कल से हमारे कल्चरल इवेंट चालू होंगे। पर्टिकुलरली वीकेंड में काफ़ी बड़े इवेंट्स रहते हैं, जैसे ये वीकेंड में गरबे का इवेंट सैटरडे को है और जो डांस का इवेंट रखा गया है वो संडे को रखा गया है। तो सारे लोगों को जो कैपिटल हाइट में रहते हैं या नागपुर के सारे वासियों को हमारे गणेश उत्सव मंडल की तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आभार। सर आपका नाम? सौरभ गोयल, ओम गणेशाय नमः। मैं आपका स्वागत करता हूं कैपिटल हाइट्स गणेश उत्सव समिति की तरफ से। देखिए, जो हमारे यहाँ की समिति है और हमारे यहाँ जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, हर तरह के बच्चे, जवान, बूढ़े, सीनियर सिटीजन,
सभी लोगों का इस प्रोग्राम में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। सारे बच्चे खुद चलकर आगे आते हैं कि हमको क्या करना है। बच्चों के लिए अलग से ड्रामा रखा हुआ है, फैशन शो रखा हुआ है, उनकी डांस की थीम है। एक एक कॉम्पिटिशन के अंदर 150 से 200 पार्टिसिपेंट्स हमारे यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। और आप मानिए, अगर हमारी स्ट्रेंथ है अगर 800 लोगों की, तो 1600 पार्टिसिपेंट्स है, क्योंकि सभी लोगों ने दो दो तीन तीन चार चार प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया हुआ है। सीनियर सिटीजन खुद से चलकर आगे आते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन, उनका प्रोग्राम के लिए डेडिकेशन, उनका आशीर्वाद, सबसे पहले टेंट में आने वाले वही लोग होते हैं। बाकी आपने बोला जो टीन एज है, यूथ टीम है, वो भी लगातार काम करती है। रोज के लिए अलग अलग कलर थीम रखी जाती है, जैसे आज की रेड थीम है, एक दिन ऑरेंज थीम हो जाएगी, एक दिन पर्पल थीम होगी। तो सारा लोग अगर आप मंडप घूम के देखेंगे तो आज मैक्सिमम आपको रेड कलर दिखाई देगा। और इस तरीके से आज जैसे हमारे यहाँ भजन संध्या का प्रोग्राम है, तो स्मिता गनुवाला जी हमारे यहाँ पे आई हुई हैं, जो कि आज का भजन का प्रोग्राम करेंगे। तो उनकी बहुत ही सुंदर आवाज़ है, मैं चाहता हूँ आप उनको भी थोड़ा कवर करें। नागपुर से BCN न्यूज़ के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।